मुजरिम ना कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। मुजरिम ना कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको मेंसुरेशन में पढ़ाने वाले हैं त्रिभुज। आपको मैंने एक वीडियो दिया था इससे पहले, एक दिन पहले बनाकर, और उस वीडियो में त्रिभुज के बारे में, वृत्त के बारे में और चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा परिचय करवाया था। आज फिर हम बेसिक से चलेंगे और आज क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं त्रिभुज पर आधारित। जो भी प्रश्न बनते हैं उसको इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ। तो आइए एकदम बेसिक से समझिएगा, क्योंकि हम त्रिभुज में क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा मैंने एक बात बताया था कि क्षेत्रफल जो है भैया, अब देख लो क्षेत्रफल, तो ये त्रिभुज हो गया, तो ये जितना भी घेरा हुआ है, तीनों भुजा से जितना एरिया घेरा हुआ है ना, ये सब क्षेत्रफल ही हुआ, यही एरिया है, क्षेत्रफल है। अब परिमाप क्या हुआ, तो ये त्रिभुज अगर है तो तीनों साइड के लंबाई का योग परिमाप हो जाएगा। तीनों साइड को जोड़ देंगे ना, अगर मान लो ये पाँच है, ये तीन है, चार है, तो जोड़ दो पाँच चार तीन, सब जोड़ के जितना जाए, ये ऐसे ही बोल दिया मैंने। हालांकि पाँच चार तीन तब तो समकोण त्रिभुज हो जाता है, तो पाँच चार नौ तीन बारह, ये हो जाता है आपका 12, अगर मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, ये आपका हो जाता है परिमाप। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जो आज का चर्चा होगा, जो मुद्दा होगा हमारा, सबसे पहले त्रिभुज में हम पढ़ेंगे त्रिभुज में दोस्तों समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में एकदम प्यार से सीखेंगे। सारे त्रिभुज के बारे में हम बताएंगे और आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि ये त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा, तब जाके ये समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि 90 डिग्री के कोण को ना समकोण कहा जाता है। 90 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है दोस्तों, समकोण कहा जाता है, समकोण, समकोण कहा जाता है। और एक बात जान लीजिए, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है, और 90 डिग्री के कोण है तो समकोण हो गया, तो समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि ये त्रिभुज है और एक कोण समकोण है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाता है, ये कर्ण। उसके बाद ये दोनों में अगर इस कोण से चर्चा करें तो लंब ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखना, लंब ये हो जाता है, जबकि इस कोण से चर्चा करेंगे तो लंब ये हो जाएगा। लेकिन अगर इस कोण से चले हैं तो लंब ये हो गया, तब एक आधार बच गया हमारा, आधार। ठीक है, आधार को आपको स्मॉल बी से लिखा जाता है, कर्ण को एच से लिखा जाता है, स्मॉल एच यानी हाइपोटेनियस, और ये पी परपेंडिकुलर। समकोण त्रिभुज का नियम है कि ये कर्ण का जो वर्ग होता है बाकी दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बात आप पहले से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए। कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब अगर ये देखो, इसकी भुजा होती है तीन चार पाँच, एक भुजा है इसका तीन चार पाँच, तीन दूना छः, चार दूना आठ, पाँच तीन पंद्रह, सॉरी पाँच दूना दस, ये भी होता है। इसमें होता क्या है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। और सबसे बड़ी भुजा का अकेले वर्ग करेंगे तो दोनों छोटी भुजा के वर्ग करके जोड़ेंगे उसी के बराबर होगा। जैसे देखो इसमें सबसे बड़ी भुजा पाँच है, तो पाँच का वर्ग करिए यहाँ 25, यहाँ देखिए, चलिए पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, एक को पी एक को बी मान लीजिए, तीन का स्क्वायर 9, आगे बी स्क्वायर, अब इसका कर लो चार का स्क्वायर 16, 16 9 जोड़ के देखिए 25 के बराबर हो जाएगा। इधर भी 25, इधर भी जोड़ के 25 हो गया ना। तो ये होता है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज है। एक बात आप समझ लीजिए कि समकोण त्रिभुज में क्या है ना, कि ये मान लो कि लंब है, इसी को ऊंचाई कहा जाता है दोस्तों। अब ये आधार है, ये कर्ण है, तो जब हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 इस आधार और इस ऊंचाई को गुना करना है। पी का मतलब यहाँ जो लंब है ये ऊंचाई का काम कर रहा है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, इसके क्षेत्रफल हो गया, इसका क्षेत्रफल। तो हमें एरिया निकालना होगा, मेंसुरेशन जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्या निकालना है, एरिया, और फिर परिमाप। परिमाप का तो मतलब है सीधा कि इसकी सभी भुजाओं के लंबाई का योग, पी बी एच जोड़ लीजिए, पी प्लस बी प्लस एच, यही इसका परिमाप हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मान लो, एग्जाम्पल के लिए मान लो
कि कोई त्रिभुज है आपके सामने, कोई त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, हाँ, एक भुजा है 8 सेंटीमीटर, एक भुजा है 6 सेंटीमीटर और एक भुजा हो जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये निकालना होता तो आप निकाल भी सकते थे, अगर नहीं पता है तो निकाल लीजिए कैसे। 8 6 कर्ण ये है क्योंकि 90 डिग्री का कोण यहाँ पर है, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, मैंने ऐसा बोला आपको। अब देखो एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 64 36 हो गया 100, 64 और 36, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 हो गया जोड़ के 100। अब स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो एच बराबर रूट अंडर 100 हो गया, तो एच बराबर हो गया 10, यानी ये हमारा भुजा 10 है, ठीक है। अब देखो अगर एरिया निकालना हो, अगर एरिया निकालना हो तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई करना होता है, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, माने आधार ऊंचाई को गुना करके आधा कर देना है, 8 गुना 6 पहले आधार, चलो आगे पीछे लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, 8 गुना 6 क्या है, 6 गुना 8, एक ही बात है, चलो 2 चौके 8, 6 चौके कितना हो गया 24, याद रहे। अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर कहिएगा, अगर इसको हमने सेंटीमीटर में, इसको क्या लिख दिया सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर मीटर में लिख दिया तो वर्ग मीटर हो जाएगा, एरिया हमेशा स्क्वायर लगा के होगा, वर्ग मीटर यस या सेंटीमीटर, बात है समझ में। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए कि आपका लंब था 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और मान लो कि आधार है आपका 8 सेंटीमीटर, तो आधार और लंब से ही काम है एरिया के लिए, तो 1/2 और फिर आधार मान लीजिए लंब 6 सेंटीमीटर और गुना 8 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ ना, 2 से 6 तीन बार में कटा, तो 3 8 हो गया 24 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये सेंटीमीटर और गुना सेंटीमीटर जब होगा तो क्या होगा ना, इसके भी पावर कुछ नहीं तो एक, इसके भी पावर कुछ नहीं तो एक, और जब बेस समान है या गुना में है तो पावर में पावर जुट जाता है, तो सेंटीमीटर एक के बार लिखाएगा पावर में पावर जुट जाएगा, तो एक का एक कितना हो जाएगा जुट के 2 हो जाएगा, ये बात होता है। आइए अब एक बात करना चाहेंगे आपसे हम, दोस्तों ध्यान देना, अगर मान लो कोई भी त्रिभुज हो, याद रहे कोई भी क्या हो, त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, ये जो मैं बात बोलने वाला हूँ आपको किसी भी त्रिभुज पर लागू होगा, ये कौन सा बात बोलने वाला हूँ जरा ध्यान देना, कोई भी त्रिभुज लागू, अगर मान लो कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना रहे हो और इस वृत्त की त्रिज्या आपको पता करनी हो, ठीक है, इस वृत्त की क्या पता करना है कि त्रिज्या कितना होगा इस वृत्त का त्रिज्या, तो इस वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, इस वृत्त के अंतःवृत्त हो गया, ये त्रिभुज के अंदर है इसको कहिएगा अंतःवृत्त, और इस अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो आपको करना है यहाँ पर लिखना है अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो छोटा वाला वृत्त है इसको अंदर में है तो छोटा वृत्त होगा, बाहर से बनेगा तो बड़ा वृत्त होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है डेल्टा बट्टा एस। अब देखो डेल्टा का मतलब हुआ त्रिभुज का एरिया और एस का मतलब हुआ अर्धपरिमाप, एस का मतलब क्या होता है अर्धपरिमाप, एस का मतलब होता है, एस का मतलब होता है अर्धपरिमाप, अर्धपरिमाप, एस का क्या मतलब होता है अर्धपरिमाप होता है। दोस्तों एक बात बताओ, और त्रिभुज यानी त्रिभुज का एरिया आपको क्या करना है, इस पूरे त्रिभुज के एरिया को अगर इसके परिमाप से भाग दे दीजिएगा, सॉरी अर्ध परिमाप से भाग दे दीजिएगा, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। जैसे मान लो अगर ये हमारा 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये तो 5 हो जाएगा समकोण त्रिभुज में, आप इसका एरिया निकाल लीजिए, एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 आधार ये 3 ऊंचाई 4, 2 से काटोगे 2 बार में, अब 3 दूना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका परिमाप कितना हो जाएगा आपको पता है, परिमाप कैसे जानोगे, तो परिमाप तो 4 5 9 3 12, ये 12 सेंटीमीटर परिमाप हुआ, तो अर्ध परिमाप कितना,
12 को 2 से भाग दे दिए 6। अब देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको क्या करना है, ऊपर में त्रिभुज का एरिया, तो त्रिभुज का एरिया भी आया है आपका 6 सेंटीमीटर और इसका अर्ध परिमाप भी आया है 6 सेंटीमीटर, काट दीजिए तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया 6 वर्ग सेंटीमीटर है ना, एरिया है तो वर्ग सेंटीमीटर में होगा, इसलिए 1 सेंटीमीटर बच जाएगा, सेंटीमीटर बच गया, 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा और 1 सेंटीमीटर बच गया, तो 1 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका क्या हो गया, अंतःवृत्त की त्रिज्या। दोस्तों ये किसी भी त्रिभुज पर ये लागू होता है, कौन सा बात, ये जो बात बताया डेल्टा वाला, डेल्टा बट्टा एस, ये सब पर लागू होता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर निकालनी हो तो आपको लगाना है डेल्टा बट्टा एस, ये किसी भी त्रिभुज पर लागू होगा, किसी भी त्रिभुज पर लागू होगा, ध्यान देना। अगर इसी में बड़ा वाला त्रिज्या निकालना हो, वो बड़ा वाला त्रिज्या कैसे होगा, देखो अगर मान लो कि एक त्रिभुज था तो इसके अंदर बना एक वृत्त अंतःवृत्त हुआ, इसको हम स्मॉल आर से लिखेंगे, और अगर ऐसे चल रहा है तो ये परिवृत्त हुआ, बाहर से जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं हम परिवृत्त, ठीक है, परिवृत्त हुआ, सॉरी परिवृत्त हुआ। दोस्तों चलिए एक बात बताइए, ये परिवृत्त हो गया, जबकि अंदर में जो है, अंदर में इसको हम क्या कहते हैं, अंतःवृत्त, अंतःवृत्त कहते हैं, ठीक है, अंतःवृत्त कहते हैं। तो बड़ा वाला वृत्त, अगर बड़े वाले वृत्त का एरिया, सॉरी त्रिज्या निकालनी हो तो यहाँ से मान लो यहाँ तक आता है, तो इसको अगर निकालना है तो इसमें आपको तीनों भुजा को गुना कर देना है और 4 गुने त्रिभुज का एरिया लिख देना है। अच्छा ये चीज़ ना किसी पर भी लागू होगा, चाहे वो त्रिभुज कोई भी हो, चाहे वो त्रिभुज कोई भी हो, सब त्रिभुज में लागू होगा। कि अंदर वाला अगर वृत्त है तो त्रिभुज का एरिया बट्टा अर्ध परिमाप, बाहर वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या अगर निकाली है, तीनों भुजा को गुना करना है और त्रिभुज के एरिया का 4 गुना से भाग दे देना है बस। अब एक बात समझिए, यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ कि दोस्तों अगर मान लीजिए कि ये आपको त्रिभुज था और ये समकोण त्रिभुज था, ऐसा भी हो सकता था एक भुजा 6 एक भुजा 8 तो ये भुजा 10 हो जाएगा, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, अर्ध परिमाप 10 6 16 8 24, क्योंकि 8 6 14 10 24 को भाग दे देना है 2 से, क्योंकि 24 तो परिमाप हुआ, अर्ध परिमाप 12 हुआ। अब अगर इसका आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, त्रिभुज का एरिया, तो एरिया निकालना है तो आपको क्या करना है, 1/2 आधार 8 ऊंचाई 6, अब 2 चौके 8 4 छके 24, ठीक है, एरिया हो गया 24 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया आपका सेंटीमीटर। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कहूँ तब, अब मीटर में कहते तो मीटर में लिख देते सब कुछ, है ना। अब देखिए एक बात बताइए, अगर आपको इसमें स्मॉल आर का मान निकालना हो, क्या स्मॉल आर मतलब क्या, कि इसके अंदर जो एक वृत्त बनेगा, मान लो एक वृत्त बना दिया मैंने, तो एक वृत्त बना दिया तो इस वृत्त की अगर आपको निकालनी हो त्रिज्या, तो आपको याद है ना मैंने क्या कहा, ऊपर में लिखना है डेल्टा बट्टा एस, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या आपका जो क्षेत्रफल है कितना 24, और 24 को भाग दे देना है किससे, अर्ध परिमाप 12 से, तो काट दिया इसको तो हो गया हमारा ये 2 सेंटीमीटर क्या हुआ जानते हैं, आपके अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई। लेकिन इसमें अगर बड़ी वृत्त की त्रिज्या निकालना होता तो तीनों भुजा गुना कर देते, तीनों को गुना कर देते, 6 10 8 गुना कर देते, 6 गुना 8 गुना 10 गुना कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्षेत्रफल के 4 गुना से भाग दे देंगे, क्षेत्रफल के 4 गुना से भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो क्षेत्रफल का 4 गुना यानी 4 गुना ये क्षेत्रफल यानी 24, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 6 छक्के 24, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 5 10, ये हो जाता है हमारा 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना एक चीज़ आपको पता चल गया
कि अंदर वाला त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, बाहर वाला वृत्त का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, पता चल गया। अब एक काम करना, ये तो किसी भी त्रिभुज पर लागू होगा, ये जो फार्मूला है ना डेल्टा बट्टा एस, और तीनों भुजा को गुना करके, यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि बड़ी वाली वृत्त की, बड़ी वृत्त की त्रिज्या यानी परिवृत्त की त्रिज्या, तो ए बी सी और 4 × त्रिभुज का एरिया, ये भी होता है। अच्छा, ये किसी भी त्रिभुज पर लागू होता है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि हम समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो उसके लिए कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, है मेरे पास इसके लिए स्पेशल। वह स्पेशल क्या है ये देखिए, पहले तो मैं इसको मिटाऊँ। चलो मिटा, आइए दोस्तों, तो हम कैसे निकालेंगे? तो स्मॉल r जब भी निकालना हो तो a प्लस बी माइनस सी अबट्टा 2 करना है। अच्छा, ए बी का मतलब है दोनों छोटी वाला भुजा और सी मतलब सबसे बड़ी भुजा, तो 8 × 6 = 14 यानी 6 + 8 = 14 और इसमें से घटा देना है 10 और 2 से भाग लगा देना है। बोलिए, 8 × 6 = 14, 14 में से 10 गया, 14 में से 10 गया 4, और 4 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ये हो गया आपको स्मॉल आर। बात है समझ में? क्या करना है, दोनों छोटी वाला जोड़ के बड़का को घटा के और 2 से भाग लगा देना है। एक तो तरीका आप ये सीख गए। दूसरा देखिए, दूसरा अगर बड़ी आर का मान निकालना हो तब हमको कुछ नहीं, कर्ण का आधा कर देना है, बस हो गया। कर्ण कितना है 10, और 10 का आधा 2, सॉरी 10 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5, 5 सेंटीमीटर भी आ गया, आ गया ना। आप देख चुके, ऊपर में भी 2 से भाग देते हैं, दोनों को जोड़ के छोटी वाला को 8 × 6 = 14, 14 में से 10 गया 4, 4 को 2 से भाग दे दिया 2, आपको 2 मिल गया, 5 मिल गया, बहुत सिंपल। अच्छा, ये जो बताया ये फार्मूला और ये फार्मूला, स्मॉल आर का मतलब छोटी वाली वृत्त, छोटी वृत्त तभी होगी जब त्रिभुज के अंदर होगी, और बड़ी वृत्त जो होगी वो त्रिभुज के बाहर से होगी। तो बड़ी वाली के लिए बड़ा आर यूज किया, छोटी वाली के लिए छोटा आर यूज किया। इससे आप किसी का भी निकाल सकते हो, लेकिन ये जो लगाया ये केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होगा, ठीक है। तो आपको इनको भी याद कर लेना है। अब आपको समकोण त्रिभुज के बारे में स्पष्ट पता चल गया, आपको स्पष्ट पता चल गया कि अगर समकोण त्रिभुज के अंदर कोई छोटी कोई वृत्त बनती है, इस वृत्त को अंतःवृत्त कहते हैं, और इस अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो हमें तीनों भुजा ए बी और ये बड़ी वाली सी, तो हमको ए प्लस बी माइनस सी अबाई 2 करना है। अगर बड़ी वाली आर निकाली है, बाहर से जो वृत्त होगा इसका त्रिज्या निकालना हो तो कुछ ना कर्ण का आधा कर देना है, बस हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा दोस्तों। अच्छा, कोई भी त्रिभुज रहे उसका उसका आपको, अगर ये त्रिभुज है, ये आधार इसका पता है, ये आधार मान लो कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इस पर ऊंचाई अगर 4 सेंटीमीटर, तब आप निकाल सकते हो। अगर ऊंचाई आएगा तो सीधा आएगा, तो इसका एरिया आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 आधार और गुना ऊंचाई, हो गया इस त्रिभुज का एरिया। ये त्रिभुज भी समबाहु है, समबाहु उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल आधार और ऊंचाई उसकी पता होना चाहिए। तो 2 से काट दिया 4 बार में, और 4 × 16, 4 × क्या बोलेंगे 16 वर्ग सेंटीमीटर आप कह सकते हो ऐसे, ठीक है। अब देखिए एक बात समझिए, कोई भी त्रिभुज पर ये 1/2 आधार गुने ऊंचाई, एरिया के लिए फार्मूला लगता है, एरिया के लिए फार्मूला 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये किसी भी त्रिभुज पर लागू होता है, लेकिन हाँ उसका आधार के साथ साथ उस पर का ऊंचाई पता होना चाहिए। अब ये भी समझ लो, अगर मान लो त्रिभुज ऐसा है तो यहाँ से ऊंचाई डाल दिया हो और ये पता होना चाहिए, अगर ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर, और ये लंब डाल दिया गया था और ये आपका 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर है, तो भी आप निकाल सकते हो इसका एरिया। तो आधार इसको लेंगे, ऊंचाई इसको ले लेंगे, ऐसे भी काम चलेगा। जरूरी नहीं कि सर ऊंचाई जैसी नीची की तरफ खड़ा हो ना, लंब डाल दिए ऊंचाई हो गया। दोस्तों अब मान लो समबाहु त्रिभुज का चर्चा कर लेते हैं, समबाहु समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि ये समबाहु का मतलब है कि उसके सम बाहु, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, उसकी तीनों साइड इक्वल होगी, तीनों साइड इक्वल होगी, तीनों साइड ए ए से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब
इसके प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री हो जाता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी 90 में दोनों होता है। अब इसमें क्या होता है, प्रत्येक 60-60 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि तीनों साइड बराबर है तो इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। अब एक बात समझ लीजिए कि इसकी अगर अगर इसकी ऊंचाई आपको निकालनी हो, इसकी ऊंचाई निकालनी हो, तो ऊंचाई तो यही हुआ, और ये जो होता है, ये हाइट जो होता है इसका हाइट, ये लंब डालने से ही हाइट होता है, ठीक है ना। और इसका ये माध्यिका भी होता है यही, तो यही हाइट अगर निकालनी हो तो आपको रूट थ्री बट्टा टू इंटू भुजा करना होगा। रूट थ्री बट्टा टू इंटू भुजा, यही लंब कहिए या ऊंचाई कहिए, और यही माध्यिका। समबाहु त्रिभुज में तो सब एक के होता है। माध्यिका का काम होता है कि वो सीधे जाएगा, सामने वाले भुजा को मध्य से बांट देगा माध्यिका। लंब का काम है कि नीचे आएगा, वो 90 डिग्री के साथ कोण बनाएगा, वो सीधा आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा त्रिभुज है, थोड़ा सा ये है, तो मान लीजिए दोस्तों अगर इसमें हम लंब डालते हैं, तो इस त्रिभुज के लिए लंब डालेंगे ना, तो लंब क्या करेगा ना, वो सीधा आएगा, 90 डिग्री सीधा आएगा और कोण बना देगा, 90 डिग्री का कोण बना देगा। यही ऊंचाई होता है और यही लंब होता है। लेकिन जब इसी शीर्ष से माध्यिका खींचेंगे, तो माध्यिका का मतलब है कि बराबर दो भाग में बांट देना। तो माध्यिका आएगा सीधा, सीधा ना आए कि ये ऐसे आएगा कि इसको दो भाग में बांट दे। अगर इधर 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक कर दिया, तो इधर भी वो 10 सेंटीमीटर ही यहाँ से यहाँ कर देगा। इसका ये काम है, माध्यिका काम है कि सामने वाले भुजा को मध्य से दो भाग में बांट देना, जबकि लंब का काम है कि सीधे आना और 90 डिग्री पर खड़ा हो जाना, ठीक है। अब देखो, और यही ऊंचाई का काम करता है। तो इस ऊंचाई निकालना है, अगर इसकी भुजा पता है तो रूट थ्री बाई टू इंटू भुजा हो जाएगा। अब देखिए, इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कैसे होगा, तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप इसे निकालना चाहते हैं तो देखिए, हम निकाल के आपको दिखा देते हैं। इसको हम करते हैं डिलीट। कैसे करेंगे तो एक काम बताओ, यहाँ से यहाँ तो पूरा ए है, ये भी ए, ये भी ए, तो इधर कितना हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा यहाँ तक, क्योंकि ये आएगा बीच, बीच मिलेगा, इधर भी हो जाएगा ए बाई टू, ठीक है। हाँ, लंब 90 डिग्री पर आएगा, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए ये माध्यिका भी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों साइड बराबर है, तो यहाँ कोई भारी चीज़ बांध के लटकाइएगा तो वो सीधे यहाँ आके 90 डिग्री पर मिलेगा। दोस्तों अब क्या होगा कि ये 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा, इसको कर्ण समझ लेंगे। अब हमको आधार पता है, लंब निकालना है, यानी यही हाइट लंब निकालना है, इसको पी लिख देते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर में से, मतलब ए के स्क्वायर में से घटाएंगे क्या, ए बाई टू का स्क्वायर, तो ए बाई टू का स्क्वायर घटाएंगे आप, तो पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा फोर हो जाएगा। बोलिए, फोर ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया था, रूट के अंदर क्या हो जाएगा हमारा, थ्री ए स्क्वायर अब बट्टा फोर। बोलिए ज़रा, थ्री हुआ ए स्क्वायर मतलब ए, अब बट्टा फोर का वर्गमूल दो, अच्छा थ्री रूट के अंदर ही रहेगा, ए स्क्वायर यानी ए दो बार है तो ए के बाहर, तीन अकेले है तो तीन रूट के अंदर, और चार का वर्गमूल दो यानी रूट थ्री बाई टू इंटू ए हो गया। तो वही चीज़ लिखा था मैंने, इसको ऐसे लिखा था, रूट थ्री बाई टू इंटू ए, वही बात ना है, रूट तीन का ए से गुना होगा अबट्टा में दो, ठीक है। तो ये होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब आ जाइए, ये जो आप समबाहु त्रिभुज देखें, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है, तो दोस्तों इस पर डाला गया लंब यानी पी की लंबाई, पी की लंबाई क्या हो जाता है, रूट थ्री बाई टू इंटू भुजा, ठीक है। जबकि इसका एरिया, एरिया जो हो जाएगा ना, वही दिमाग लगाइए, एक बट्टा दू आधार गुने ऊंचाई। देखिए ऐसे हमको पता है कि रूट थ्री बाई फोर इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं, एक बट्टा दू आधार तो आपका ए आधार, इस पर P जो आता है, इस P यही लंब है, ये कितना है, आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई को P से लिख देते हैं परपेंडिकुलर, तो ये इसके जगह क्या आ जाएगा, रूट थ्री बाई टू इंटू ए। अब क्या हुआ, ए ए हुआ ए स्क्वायर, ये रूट थ्री, अब बट्टा में दो दूना चार, तो ऊपर संख्या वाला लिख देते पहले, रूट थ्री
बट्टा दो दूना चार और एक गुने एक क्या होता है ए स्क्वायर। इसीलिए हम इसको ऐसे याद करते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है रूट थ्री बट्टा फोर गुना भुजा स्क्वायर। आइए तो अब डायरेक्ट हमको इसका एरिया याद रख लेना है कि एरिया जो होगा भैया एरिया वो हो जाएगा क्या वो रूट थ्री बाई फोर इंटू भुजा स्क्वायर। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं ना इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं रूट थ्री बाई टू इंटू भुजा और यह है रूट थ्री बाई फोर इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है अब देख लो और इसका परिमाप क्या होगा तो इसका जो परिमाप होगा ना परिमाप तो परिमाप हो जाएगा हमारा वही तीनों भुजा के लंबाई का योग यानी ए प्लस ए प्लस ए तीनों ए को जोड़ेंगे तो थ्री। और इसमें अगर कोई समबाहु त्रिभुज है दोस्तों समबाहु त्रिभुज है तो इसके अंदर भी तो एक वृत्त बनेगा और इसके बाहर भी तो एक वृत्त बनेगा बनेगा कि नहीं बनेगा ना तो अंतः वृत्त और बाह्य वृत्त इसमें भी होता है। तो अब क्या होगा ना अंदर वाला वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से लिख दिया। अब आप एक बात जान लो एक जो मैंने पहले फार्मूला बता दिया कि स्मॉल आर के लिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा अर्ध परिमाप और कैपिटल आर के लिए तीनों दोनों छोटा को जोड़ के बड़का को घटा के दो से भाग ये चीज तो सब पर लागू होगा। हाँ ये हर त्रिभुज पर यह लागू होगा लेकिन अब जबकि हम समबाहु त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो कुछ स्पेशल बात तो होगा। स्पेशल बात क्या होगा तो इसमें क्या कहता है कि स्मॉल आर का मान निकालना हो तो भुजा अबट्टा दो रूट तीन से भाग दे दीजिए और कैपिटल आर निकालना हो तो भुजा यानी इसमें त्रिभुज की भुजा पता रहेगा और हो सकता है इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछ लेगा तो पहले त्रिज्या पता रहेगा वृत्त का तब ना क्षेत्रफल निकालिएगा। तो अब क्या होगा ए बाई सीधा रूट तीन। अच्छा याद रखने के लिए आप कैसे याद रखोगे ए बाई टू रूट थ्री और ए बाई रूट थ्री में हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे देखो ए बाई टू रूट थ्री का मतलब ये हुआ ए बाई टू रूट थ्री का मतलब ए में ज़्यादा इससे बड़ा संख्या है ना रूट तीन है दूर गो रूट तीन तो ए में बड़का संख्या से भाग देंगे तो मान छोटा आएगा हमको चाहिए स्मॉल आर का मान यानी कम चाहिए और बड़ा आर का लाना है तो ए में केवल रूट तीन से भाग दिया यहाँ दो रूट तीन से भाग दिया यहाँ कम में से भाग दिया तो जितना छोटा संख्या से भाग दीजिएगा मान उतना बड़ा आएगा तो याद रहेगा इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। ज़्यादा से भाग दिए हैं क्योंकि छोटा मान चाहिए था और कम से भाग दिए हैं इसी में ए में कम से भाग दिए क्योंकि बड़ा मान चाहिए था। ठीक बात है तो इतना बात आप याद कर लेंगे याद रहेगा। हालांकि ये सब पर लागू होगा लेकिन ये समबाहु त्रिभुज के लिए स्पेशल है जैसा कि आपको समकोण त्रिभुज के लिए मैंने स्पेशल बता दिया था। ठीक है दोस्तों अब चलो एक बात समझ लो। अब मान लो कि सम द्विबाहु त्रिभुज है ठीक है आइए मान लीजिए कि ये दोनों साइड इसका इक्वल है ये दोनों साइड और ये तीसरा साइड बी है ठीक है तो इसमें क्या करेंगे हम लम डाल देंगे तो बीचे बीच आएगा ये थोड़ा सा साइड में चला गया ये बीचे बीच ही आएगा लम डालेंगे तो लम डाल दिए। अब क्या होगा इस लम की लंबाई अगर निकालनी हो इस लम की लंबाई निकालनी हो पी तो हम क्या करेंगे ये पूरा बी था तो इधर हो जाएगा बी बाई टू यहाँ से यहाँ तक और इधर भी हो जाएगा b बाई टू यहाँ से यहाँ तक। ठीक है अब केवल हम किसी एक को ही लेकर काम कर लेते हैं ठीक आधा ये त्रिभुज हो गया आधा इधर हो गया तो चलो इसमें क्या करेंगे ये कर्ण हो जाएगा तो हमारा क्या है कि p निकालना है तब p निकालना है तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर यानी a स्क्वायर में से घटेगा कौन हमारा इसका आधार वाला b बाई टू का स्क्वायर तो हमें b बाई टू का स्क्वायर करके घटा देना है। देखो अब यहाँ सीखना है अभी ए स्क्वायर माइनस बी का यानी बी के पावर बी स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा दो का स्क्वायर चार। अब दोस्तों ये फोर ए स्क्वायर देखो फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बट्टा फोर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक तो ऐसे आपको लिखा हुआ रहता है कि सम द्विबाहु त्रिभुज का ये ऊंचाई होता है सम द्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कहिए या लब कहिए तो यही होगा फार्मूला या ऐसे भी लिखा रहेगा आपको फोर ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर अब बट्टा चार का वर्गमूल दो ऐसा भी लिखा हुआ
रह सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मतलब है कि दो एक जैसन भुजा है उसका वैल्यू, और बी का मतलब है एक तीसर का भुजा है उसकी वैल्यू रखना है, ठीक है, बट्टा दो, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ये चीज़ पता चल गया है, ये चीज़ पता चल गया है, तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अब क्षेत्रफल के लिए आपको क्या पता है, एरिया के लिए आपको पता है एक बट्टा दो आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई यही बात ना, ऊंचाई यानी पी परपेंडिकुलर। अब सुनो, तो एक बट्टा दो आधार के जगह ये तो पूरा, हमको इस पूरे का एरिया निकालना है, तो पूरा कितना है बी आधार, ऊंचाई ये आ गया, ऊंचाई आ गया, पी का मान यही आया है, क्या आया है रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बट्टा में दो, दो और दो गुना हो गया तब बाहर में चार, बट्टा में चार और बी ऊपर, तो बी बट्टा फोर और रूट अंडर यही वाला फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका एरिया। लीजिए, तैयार है, बी बट्टा फोर इंटू रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया आपको सम द्विबाहु त्रिभुज के लिए, ठीक है। अब आगे हम बढ़ जाते हैं दोस्तों, एक विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज मान लो साइड अलग अलग है, ए बी सी, ए बी सी है इसका, तो आप इसका एरिया के लिए, एरिया के लिए कुछ न करना, सिंपल है ना हमारा, रूट अंडर एस, एस इंटू एस माइनस ए, और फिर क्या एस माइनस बी, फिर क्या एस माइनस सी, तो ये लगा सकते हो आप फार्मूला, ऐसे करके आप बना सकते हो। दूसरा बात ध्यान देना, इसका अर्ध परिमाप, एस, एस का मतलब क्या है परिमाप का आधा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, किसी भी त्रिभुज का अगर माध्यिका पता हो ना दोस्तों, माध्यिका, तो माध्यिका मान लीजिए कि यहाँ से माध्यिका, ये भुजा को दो भाग में बांटे, इसको बांटे, इसको बांटे, और इसकी लंबाई मान लीजिए कि x है, इसकी लंबाई x, ये गया इसकी लंबाई y, और ये गया माध्यिका, यहाँ से माध्यिका, और इसकी लंबाई z, तब आपको ये माध्यिका का आधा लिख लीजिए। मान लीजिए इस माध्यिका को हम आधा x से डिनोट कर दें, सॉरी x नहीं, x तो हम लिख चुके हैं, चलिए अगर हम इसको m ही लिख लेते हैं, माध्यिका के लंबाई x प्लस वाई प्लस जेड, आ इसको दो से भाग दे दीजिए, वो हो गया m का मान, ठीक है। जैसे अर्ध परिमाप निकालते हैं तो सब भुजा को जोड़ के दो से भाग दे देते हैं, लेकिन माध्यिका सबको भी जोड़ के दो से भाग दीजिए, m निकल गया। इससे भी एरिया निकाल सकते हो, ये कोई भी त्रिभुज पर लागू होगा, कैसे निकाल सकते हो, अब m रखना है, m जहाँ s रखते थे वहाँ m, फिर m माइनस a, फिर रखना है m माइनस b, और फिर रखना है m माइनस c, ऐसा भी कर सकते हो ऐसे। अच्छा, माध्यिका से करोगे तब फोर बाई थ्री बट्टा में लगा देना, बाहर में फोर बाई थ्री एम इंटू एम माइनस ए, एम माइनस बी, एम माइनस सी, बाहर में केवल फोर बाई थ्री, और जबकि भुजा लेके बनाएंगे तो बाहर में फोर बाई थ्री नहीं, ठीक है। और एम क्या है, तीनों माध्यिका के लंबाई के योग का आधा है, ठीक बात, तो ये बात ध्यान रखना है। और बाकी जो पूरे त्रिभुज के लिए बताया, अंतःवृत्त के लिए और बाह्य वृत्त के लिए, उस सब पर लागू होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं सवाल पर, हमारे सामने एक सवाल है और सवाल को जरा करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल क्या कहता है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करिए। 5, 6, 9 है दोस्तों, परिमाप तो हो जाएगा कितना, 5 प्लस 6 और प्लस 9, 9 6 15, 15 5 20, 20 हो गया परिमाप, तो 20 किस में है, 20 इसमें है, तो परिमाप तो हो गया, लेकिन अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं हम दो से भाग देकर, हमारा हो जाएगा 10, 9, 6, 15, 5, 20, 20 को दो से भाग 10, ये हो गया अर्ध परिमाप। इसका एरिया का है, इसलिए हम फार्मूला लगा देंगे s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस, एस माइनस सी, आइए कैसे, तो देखिए ना यहाँ 10 लिख दिया, फिर 10 में से a यानी 5 घटाइए तो 5, आइए 10 में से b यानी 10 में से 6 घटाइए 4, 10 में से 9 घटाइए, 10 में से 9 कह कि s माइनस सी, तो 10 में से 9 गया 1, अब 10 पचे 50, 50 चौके 200, 50 चौके कितना 200,
तो 100 गुना 2, 100 का वर्गमूल 10, 2 रह जाएगा अंदर, 10 रूट 2 वर्ग सेंटीमीटर, 10 रूट 2 वर्ग सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया परिमाप। तो ये एरिया और परिमाप पता चल गया हमको। अगले सवाल पर आ जाइए, सवाल क्या कहता है देखिए, कहता है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर ना, तो 4-4 सेंटीमीटर तीनों भुजा, तो 4×3 = 12 सेंटीमीटर परिमाप हो गया। परिमाप कितना हो गया, हाँ यहाँ वर्ग नहीं लिखाएगा, ठीक है वर्ग नहीं लिखाएगा, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है तो 4×3 = 12 इसका परिमाप, और क्षेत्रफल तथा परिमाप कितना होगा, क्षेत्रफल प्रत्येक भुजा 4 है तो क्षेत्रफल तथा परिमाप कितना होगा, 4×3 = 12 हो गया इसका परिमाप। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए यानी एरिया के लिए आपको क्या करना है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो √3/4 और भुजा मतलब 4×4 का स्क्वायर 16, 4×4 = 16, तो 4√3 हो जाएगा, 4√3 हमारा आंसर, 4√3 और 12 ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे आ जाते हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल हमारा क्या कहता है देखिए, पचवा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सॉरी ये तीसरा ही है, यदि एक सम द्विबाहु त्रिभुज के लिए प्रत्येक समान भुजा की लंबाई ए इकाई है और तीसरी भुजा की लंबाई बी इकाई है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये कहता है कि समान भुजा के लिए समबाहु त्रिभुज में, सम माने बराबर, दुई माने दो गो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजा बराबर है, समान वाला के लंबाई ए, एक तीसरी भुजा है उसका बी, तो उसका क्षेत्रफल क्या है, तो यह तो आंसर है यह है, ये है √4 × √ अभी ये ना पढ़े थे हम, 4a² - b² इतना वर्ग इकाई हो जाएगा, ऑप्शन बी में है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्या पूछ लिया, और उसमें भी देखिए SSC CGL मेंस में पूछा 2015 में, फार्मूला ही केवल आपसे पूछ लिया। आगे देखिए अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर है, ठीक, तथा इसके आधार तथा ऊंचाई का अनुपात 4:5 है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। यदि किसी त्रिभुज का, अच्छा आधार ऊंचाई पता है, तो देखो ना आधार आ ऊंचाई परपेंडिकुलर पी 4:5 में है, x हटा दीजिए और एक काम करिए 1/2 आधार आ ऊंचाई गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा, जबकि क्षेत्रफल है 250, बस काम बन गया। देखिए 2×2 = 4 आ 2×5 = 10 से ये 0 कट गया, x गुना एक्स, x² = 25 हो गया 25, तो x की वैल्यू कितना आ गया 5, x की वैल्यू 5 हो गया, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है, x की वैल्यू 5 तो 25 मीटर हो जाएगा, 25 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आइए अगला सवाल पर आ जाइए, देखिए बड़ा आसानी से, चूंकि आप बेसिक चीज़ पढ़े हैं तो आसान लग रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा आपको आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। सवाल क्या कहता है देखिए अगला, पचवा, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई एक्स हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल वर्ग में कितना होगा। अच्छा माध्यिका की लंबाई एक्स है, देखिए दोस्तों समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के माध्यिका की लंबाई एक्स, माध्यिका वही लंब ही होता है, ठीक है, और आपको पता है इसकी माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए, इसकी माध्यिका यानी पी निकालने के लिए, यही परपेंडिकुलर निकालने के लिए फार्मूला क्या कहता है, √3/2 × एक भुजा, तो पी के जगह तो आपका एक्स है तो एक्स रख दिया, बराबर √3/2 × भुजा, ए आ गया इधर, √3 आ गया बट्टा में, तो टू एक्स हो गया और बट्टा √3 हो गया, ये भुजा का मान। आपसे कहता है इसका क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल निकालिए, कुछ नहीं करना है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर करना है, तो √3/4 अब भुजा स्क्वायर मतलब इतना का स्क्वायर, तो 4x² अब बट्टा हो जाएगा हमारा कितना, 3 हो जाएगा। चलो 4 से 4 काट देते हैं, ऊपर में हो गया √3x² अब बट्टा 3, √3x² / 3 हमारा आंसर ऑप्शन डी में मौजूद है। अगले सवाल पर आ जाइए, कहता है छठा, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर तथा बराबर भुजा में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। कहता है त्रिभुज की परिमिति है 14, तीनों भुजा जोड़ के 14 होना चाहिए, और बराबर भुजा में से एक भुजा, मान लीजिए बराबर भुजा में से एक भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है,
बराबर भुजा में से, सॉरी, बराबर भुजा में से एक भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। एक काम करते हैं, बराबर वाला भुजा तो एक और होगा, तो ये 5 है, तो ये भी 5 होगा, 5 5 10 4 14 हो गया ना, परिमाप 5 5 10 4 14, ये अनुपात है, रियल भी है ये, क्योंकि 5 5 10 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखिए, तब कहता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो √3 इसका क्या हो जाता है, बी, यहाँ हम क्या लगाते हैं फार्मूला, बी बाई 4 इंटू √4a² - b² यही तो होता है हमारा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। a का मतलब है समान भुजा वाला ना, यहाँ b का मतलब है b के जगह 4, फार्मूला वाला नीचे में 4, ऊपर 4a² 4, आ ए स्क्वायर मतलब क्या, 5 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ये 4 से 4 कट गया, रूट अंडर हमारा 25 चौका 100, 100 में से 16 चला गया तो 84 हो गया, 21 चौके 84, 4 का वर्गमूल 2, 21 रह गया अंदर, 2√21 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आया होगा आसानी से समझ में, त्रिभुज से और संबंधित प्रश्न कराएंगे हम आपको। अब एक बेसिक चीज़ें आप समझ रहे होंगे, अब क्या होगा ना कि त्रिभुज तो पढ़ाएंगे, वृत्त पढ़ाएंगे, चतुर्भुज पढ़ाएंगे, उसके बाद इन सब से मिक्स क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए भी एक दो वीडियो बनेगा, ठीक है। अभी आपको केवल त्रिभुज के छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने बताया है, अब त्रिभुज से दूसरी आकृति में जब जाना होगा तो वहाँ पर क्या होगा, अभी वृत्त के बारे में आपको नहीं बताया मैंने ज़्यादा, चतुर्भुज के बारे में नहीं बताया, तो अब वृत्त के बारे में बताएंगे, उसके बाद लास्ट में सबसे मिसलेनियस क्वेश्चन भी करवाएंगे कि एक आकृति से दूसरे आकृति में जाता है तो क्या होता है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, इससे क्या होगा कि हम जब वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। दोस्तों अगर मैथ का पूरा कंप्लीट कोर्स चाहिए तो धुरीना पर अवेलेबल है, अर्थमेटिक पूरा मैंने अभी पढ़ा दिया है, अब नंबर सिस्टम एडवांस बचा हुआ है, वो अब आगे जारी है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और वो कोर्स जिसको लेना है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, धुरीना ऐप पर अवेलेबल है, थैंक यू।